गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बुल रन ट्रेडिंग। आज अपना पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक गिल्टी किल्स के बात करेंगे। इसमें ज़रूर आपको मैं बाइंग लेवल ज़रूर बताता हूँ, इसका डाउन होने के लिए क्या न्यूज़ है और अपडेटेड न्यूज़ आपका पास पहुँचाता हूँ। नेक्स्ट बाइंग लेवल और प्रॉफिट बुकिंग का क्यों हुआ इसमें, वो भी आपको ज़रूर मैं बताता हूँ। सो ये चैनल आप पहले बार देखे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड गेट मोर अपडेट्स एंड लाइक अवर वीडियोस। सो वी विल स्टार्ट अवर वीडियो। सो पहले पॉइंट यही है इसमें, हाल दो दिस काउंटर इज ट्रेडिंग ए न्यू लाइफ टाइम हाई। एक छोटा इसमें छपा हुआ था इसमें, इट हैज़ नाउ अप्रोच इट्स क्रिटिकल रेजिस्टेंसी पॉइंट प्लेस्ड अराउंड 77 ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट। हाउएवर ए न्यू हाइट ऑलवेज आर्ग्यूल वेल फॉर दी बुल्स, इट कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऑन द डिप। जैसा इसमें लॉन्ग टर्म का जो भी ये ऑल टाइम हाई को टच हुआ था 77 का ऊपर, जो भी आज 88 का जो भी सैटरडे को जो क्लोज हुआ था, सो सैटरडे सुबह का जो भी फ्राइडे का एंडिंग का जो भी 77-88 तक आया था। हाउएवर एज ए न्यू हाइट ऑलवेज आर्ग्यू वेल फॉर बुल्स, एंड बोले तो बुल्स के लिए ये सबसे बढ़िया पोजीशन बनने वाला है। फॉर दी टाइम बीइंग ट्रेडर्स हु आर लॉन्ग शेल एग्जिट इट्स दि काउंटर फॉर फेल टू रजिस्टर ए क्लोज अबव 77 इन दी अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस, एज इट इज़ ऑलमोस्ट अप 30% इन लास्ट टू सेशंस फ्रॉम द 59 रुपीज। इन केस इट इज़ सस्टेन अबव 77, देन ये हायर टारगेट ऑफ 97 कैन बी प्रोजेक्टेड। फ्रेश बाइंग कैन बी consider on the dip into the zone, the major zone between 71 to 67 with stop below 63 stop loss। जैसा मैं आपको stop loss इसमें है 63 रुपीज़ का stop loss बोल सकते हैं। सो आपको ये buying level होता है 63 से between 71 का बीच में, आप इसमें fresh buying कर सकते हैं। जब ये अपना को फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, जब इसमें कुछ डरने का चीज़ नहीं है, आप ज़रूर इसमें बाई कर सकते हैं। जब बाकी इसमें बाकी भी चेक करेंगे अपन, इसका मार्केट कैप है 1500 का है, तो करंट प्राइस 88 रुपीस है, इसका लो 32 है, हाई का 97 है और इसका पीई 2.8 है, बुक वैल्यू 71 है, डिविडेंड यील्ड 7.93 है, सबसे बढ़िया है, आरओसी भी अच्छा है। तो फेस वैल्यू 10 रुपये का है, सबसे बढ़िया स्टॉक होता है 10 रुपये का जो भी फेस वैल्यू होता है। सो इसमें आप ज़रूर इसमें देख सकते हैं, आप 50 डेज़ का बीमा जो भी होता है 59 रुपीज़ का है, 200 डेज़ का 48 रुपीज़ होता है। सो आपको 59 भी एक बाइंग लेवल बन जाएगा और 61 का भी एक बाइंग लेवल बन जाएगा एसआईपी का। यह पहली एसआईपी है, ये सेकेंड एसआईपी है और इसका बाद में आपको जो पता है 67 का और 71 का बीच में एक बाइंग लेवल होता है। थोड़ा तीन बाइंग लेवल है, 59 में एक है, 61 में एक है, 67 और 71 का बीच में तीन बाइंग लेवल। इसमें ज़रूर आपको बताता हूँ। सो इसका जो भी स्टॉक प्रोवाइडिंग है गुड डिविडेंड 7.93 बोले तो बहुत हेल्थी स्टॉक होता है, बाकी पूरा पॉजिटिव है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये एक ही छोटा इसमें माइनस पॉइंट है। क्यों बोले तो इसमें ऑलरेडी उसका रेजिस्टेंसी फेस कर रहा है, इसमें सबसे बढ़िया रेजिस्टेंसी फेस कर रहा है। इसमें सेल्स ग्रोथ भी है, सेल्स ग्रोथ भी अभी आगे आगे और होने वाला है आप, और इसमें नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ भी देख सकते हैं इसमें से, और डिविडेंड भी अच्छे से पे कर रहा है कंपनी, और बाकी पूरा प्राइवेट कंपनी है इसमें। सो इसका ऑल टाइम इसमें चार्ट में दिखा रहा है 500 का है, सबसे बढ़िया ये स्टॉक बनने वाला है। और नेक्स्ट इसमें
आपको कैश फ्लो का माइनस से प्लस में पहुंच रहा है और डेटर भी डेज भी जीरो है, डेटर डेज जीरो है और प्रमोटर कुछ चेंजेस नहीं है, बोलो तो जीरो चेंजेस है इसमें, सभी ऐसा ही इसमें सेम था, तो बाकी चेंजेस इसमें नहीं है। तो वैल्यूएशन का बारे में देखा तो इसमें सबसे अच्छा एफ्राइडेबल वैल्यूएशन है, सो हायर पोजिशनल स्ट्रेंथ है और टेक्निकल बुलिश में है, इसका अपॉर्चुनिटी सबसे बढ़िया है और स्ट्रेंथ भी बढ़िया है, कुछ वीकनेस कम है और थ्रेट भी नहीं है, सो इसमें ज़रूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें से वैल्यूम देखा तो सबसे बढ़िया वैल्यूम भी इसमें लास्ट 3 महीने में यही महीने में सबसे ज़्यादा जनरेट मे में हो चुका है, तो लॉन्ग टर्म में इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा इसमें बाकी पूरा देखा तो इसमें सबसे कम चेक कर रहे हैं और मार्केट कैप का है, 1 ईयर चेंज सबसे बढ़िया अच्छे से रिटर्न दे चुका है और नेट प्रॉफिट बहुत कम है बाकी कंपैरिजन किया तो, और बाकी पी ट्रेडिंग का है सो ग्रोथ चल रहा है इसमें, और ऑपरेटिंग रेवेन्यू का है बाकी जैसा नहीं है, ये सबसे बढ़िया स्टॉक है, आपको PNG रिटर्न बाकी देखने वाला। सो ये रिस्क आपको स्कोर यही दिख रहा है, पिवोट का है स्कोर है 125 आउट ऑफ 410 का है, आपको 400 कंपनी में ये 125 का टॉप है होता है, 400 कंपनी में आप ये 125 काम ये काम चल रहा है। सो फंडामेंटली स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे रहा है, बाकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं सभी ग्रीन में हो चुका है, तो टेक्निकल के भी मोमेंटम बुलिश चेक रहे हैं, बुलिश में है कुछ ये नहीं है, तो इसका 1 वीक का रिटर्न अच्छे से दिया था और 1 मंथ का भी रिटर्न अच्छा ये दिया था और 3 महीने में अच्छा रिटर्न दे दिया और 6 मंथ्स में भी अच्छा ही 100 का 100 का 1 ईयर का भी 100 का ऊपर ग्रोथ दिखाया था। सो शेयर होल्डर पैटर्न देखा तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम एस डी से कुछ चेंजेस नहीं बना इसमें, आप प्रमोटर होल्डिंग में 74 सेम है और प्री फ्लोट भी थोड़ा बहुत कम हो चुका है, सो इसमें भी सेम नहीं है, पूरा फ्लैट ही है, कुछ चेंजेस नहीं है फॉर इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड्स में। और इसका डील जो भी बताया था ये जून में 2 तारीख को एक डील हुआ है और 2 तारीख को सेकंड डील हुआ है, 2 तारीख को सेल का भी डील और 2 सेल का हुआ था और 2 बाय का हुआ था, इसमें 2 डील हुआ। और न्यूज़ के बारे में देखा तो 2 तारीख को एक कुछ बढ़िया न्यूज़ नहीं है इसमें, ज़्यादा न्यूज़ इसमें कुछ भी नहीं है, कॉर्पोरेट एक्शन इसमें से कुछ भी नहीं है, कॉर्पोरेट एक्शन भी नहीं है इसके ऊपर। सो और चार्ट के बारे में देखा तो आपको बोला था मैं, चार्ट को भी ऊपर चला गया है, ये भी RSI से भी ऊपर चला गया है और ये डे चार्ट है और बाकी ये भी सपोर्ट ले रहे हैं, आप इधर चेक कर सकते हैं, रेड कैंडल बन चुका है डे का, तो ये ऊपर का सपोर्ट लेके नीचे आने के लिए बहुत ट्राई कर रहा है, बाकी प्रॉफिट बुकिंग भी इसके ऊपर चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग होने का ये वजह से हुआ है, ऑल टाइम हाई हो चुका है इसको, ऑल टाइम हाई में ये प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। सो इसमें देखे आप 1, 2, 3, 4 बढ़िया कैंडल बन चुका है और ये कैंडल में आप प्रॉफिट बुकिंग चालू किया था, आप इधर ज़रूर देख सकते हैं सपोर्ट इधर ले रहे हैं 61 से ये फिर से सपोर्ट लेने के लिए बहुत मौका इसमें है। सो RSI ऊपर चला गया, CCI भी ऊपर है, बाकी इतना न्यूज़ आपको पहुंचाया मैं, ज़रूर आपको इसमें बाइंग लेवल भी बताया था, फर्स्ट SIP आपको बताया था 61 में, सेकंड SIP बोला था 67 का पास और थर्ड SIP बताया था 61 से 71 का आसपास। सो दिस इज़ आवर कंक्लूजन, सो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर आप बर कर सकते हैं, आप ज़रूर आपका पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना है, सो आप ये पहुंचना है आप ज़रूर इसमें, जल्दीबाजी एंट्री नहीं करना है, सो सपोर्ट लेवल ज़रूर लेगा ये 20 डेज दिमाग को, सो जब तक रुकना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड
हैव ए नाइस डे।